फैशन इज ऑल अबाउट स्टाइलिंग आई गेस। थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं अपना हल्का सा मेकअप। हेलो, हाँ, अरे वाह, तैयार किया। अरे वाह, मेरे उसको निश्वास लगा हुआ था हमारा, लगा था ना, है ना। हाँ, तो ये मैं आज फर्स्ट टाइम रंजना के हाथ का खाने वाली हूँ एक्चुअली। हाँ, तो पहाड़ी पैराडाइज की स्पेशल थाली तैयार हो रही है दोस्तों। रूना जानना थी, बीबी बोला कि भाई बहन अगले जन्म में, अगले जन्म में हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका कल्पना लोमी ब्लॉग्स में। तो चलिए आज का दिन करते हैं शुरू। सो आज मैं फिर से जा रही हूँ पवन लोगों के वहां। मुझे पवन को और सुमित को शॉपिंग पे जाना है। बेसिकली सुमित पवन को शॉपिंग पे जाना है और जो रंजना भाभी हैं उनका ऑफिस था और वो नहीं आ सकती, उनके साथ इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, यू नो। तो इसलिए पवन ने बोला कि तू चल ले। थोड़ा एक होता है ना, लड़कियां थोड़ा सा बेटर सेंस ऑफ स्टाइलिंग थोड़ा अच्छा बता देती हैं, तो पवन ने बोला थोड़ा हमें बता भी देगी। प्लस सुमित का क्या है कि थोड़ा मेरे साथ थोड़ा अच्छा बॉन्ड है उसका, तो मुझे थोड़ा और खुल के बोल देते। जैसे पवन तो उसका बड़ा दद्दा है, थोड़ा शर्माता है ना, दद्दा को कैसे बोलूँ ये चाहिए वो चाहिए, तो मुझे थोड़ा बोल देता है। इसलिए पवन ने कहा चल तू चल ले, मुझे सुमित दोनों को थोड़ा सा कपड़े दिला देगी और देखते हैं इसी बहाने क्या पता पवन मुझे भी कुछ दिला दे। तो मैं इस लालच में भी जा रही, क्या पता पवन कुछ दिला दे, ठीक है। और ये आप सोच रहे हो कि इतना सारा सनस्क्रीन क्यों लगा रही हूँ मैं। सो गाइस, सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए, लड़कियों को नहीं लड़कों को भी लगाना चाहिए। बिकॉज सनस्क्रीन से कोई गोरे वोरे नहीं होते, सनस्क्रीन से स्किन प्रोटेक्शन होती है आपकी। क्या बोलते हैं आजकल, ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, गड्ढे बन रहे हैं, ये स्किन कैंसर वगैरह हो रहा है, तो ये आपकी स्किन को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। तो प्लीज़ 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 बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में मत जाया करिए, और थोड़ा ज़्यादा ही लगाना चाहिए सनस्क्रीन, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। तो चलिए फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, ठीक है ना। और मैं पहनने वाली हूँ आज फिर से शर्ट। कल मैंने पर्पल कलर की शर्ट पहनी थी लास्ट टाइम, आज ग्रीन। सो फाइनली मैं हो गई तैयार, ठीक है जी। शर्ट, ये जीन्स, तो मैंने बस वही शर्ट और जीन्स पहनी है। अब जल्दी से थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं लास्ट टाइम की तरह, सो दैट इट लुक्स अ लिटिल बेटर, यू नो, अ लिटिल बिट बेटर। स्टाइलिंग करने से होता क्या है ना, थोड़े देखो अभी कैसी लग रही हूँ मैं, लाइक नॉर्मल बेसिक, राइट। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे करूँगी, सी, थोड़ा कुछ तो ऐड हुआ, कुछ तो अंतर है, सी। और वहीं सी, स्टाइलिंग का कितना फर्क पड़ता है। तो फैशन इज ऑल अबाउट स्टाइलिंग आई गेस। तो चलिए जी, आई एम रेडी। और थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं अपना हल्का सा मेकअप, सो दैट आई लुक अ लिटिल बिट प्रेजेंटेबल एंड लाइवली। बिकॉज ऐसे हम लड़कियां ना मरी मरी लगती हैं, जब तो थोड़ा बहुत काजल ना लगाओ। काजल को टिक लगले, हाय काजल को टिक लगले। काजल वाजल कुछ नहीं लगा रही मैं, हो गया। अब मुझे आज क्योंकि मार्केट जाना है ना, बड़ा हौश पौश लगता है, बस थोड़ा सा इससे लाइवली लगेगा और कुछ नहीं, मतलब जगी जगी लगूंगी। चलो जी, आई एम गुड टू गो। कांचना, तो चलिए मैं हो गई तैयार। कुछ नहीं किया मैंने, बस थोड़ा सा लिपस्टिक वही गालों पे चपोड़ लिया, बाल बांधे ही हैं, एंड आई एम गुड टू गो। तो चलिए फिर मैं हो गई रेडी और चलते हैं पवन, सुमित और रंजना के वहां, और मिलाते हैं आपको रंजना भाभी, पवन और सुमित से। लेट्स गो। और सारी मम्मियों का ये पेटेंट चीज रहती है कि जब भी बच्चा घर से बाहर निकल रहा हो काम के लिए, तो अपना काम पीछे से पकड़ा देती है। अभी मैं जा ही रही थी और मम्मी मुझे ऐसा काम पकड़ा रही है जिसको मैं कैसे करूंगी मुझे नहीं पता। आइए जरा आओ। फोन को पकड़ा देना। हाँ, ये देख लो, फोन को पकड़ा देना, वो कर लेगा। अब मम्मी कह रही है तुम ढोलक ठीक कराओ। अब हम लोग जा रहे हैं कपड़े खरीदने, आपको पता है उसमें दो दुकानों में आना, मतलब चार दुकान आना जाना। अब मैं इसको कहाँ लेती फिरूंगी, आप ये बताओ मम्मी, इसको कहाँ रखूंगी? सुमित को पकड़ा देना, वो कहाँ पकड़ के रखेगा? पकड़ लेगा। पवन तेरे को परेशान, रुक जा, उसको ऐसे मारक दर्द हो गया। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ पहाड़ में, बोलने वाली थी मौसी मेंशन, पहाड़ी पैराडाइज। और ये सुमित और पवन ने मुझे इतना खतरनाक सरप्राइज किया ना, मेरे को भी छौ लग गया है। राई चढ़ा
बाकर कट दून वो आप पवन के ब्लॉग में देखना। तो चलिए अब लंच टाइम हो रखा है, आज लंच पे दावत है मेरी, तो अभी हम लंच करेंगे। स्टार्टर में कुछ लेगी? स्टार्टर में चिकन तंदूरी या टिक्का। नवरात्र में चिकन नहीं खाते। ओह आई एम माय बैड मशरूम चिली पनीर। हाँ वो चल जाएगा। ठीक है मशरूम छील दो इसके छील दो इसके। तो ये हमारी रंजना भाभी, भाभी से हाई टू द कैमरा। हेलो। हाँ अरे हमने तैयार किया। अरे अरे मैंने आप लोगों को तकलीफ तो नहीं दी ना। राजमा देखो यहाँ पे। अरे भाई 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 क्या बात है। और ये भात बना रखा है। क्या बात है राजमा भात। ये ककड़ी पहाड़ी लून। हाँ पहाड़ी लून पिछा लून लहसुन का और चटनी। अरे ये टमाटर वाली। अब आज रंजना का टेस्ट होगा कि मम्मी जैसी बनाई है। मैंने सब राजमा बनाई है। अच्छा ठीक है चलो बढ़िया। और खीरे काटे हैं। भात तूने बनाया। अब ये बता मुझे क्या करना है। बर्तन तुझे सिर्फ खाना है बस। और बर्तन तूने बर्तन अगर वापस जा रही होती तब। और सुमित कल के ब्लॉग में सुमित मतलब मैं आई थी मम्मी और मैं, उसमें आपने देखा होगा सुमित इतना बोला नहीं। वो इसलिए नहीं बोला बिकॉज उसको निश्वास लगा हुआ था। हमारा लगा था ना है ना। हाँ तो उसको इतना निश्वास लगा हुआ था और मुझे उसको देख के ऐसा हो गया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अब तो तू चलेगा हमारे साथ। तो आज आने का रीज़न ये भी है कि सुमित को लेके अब हम जाएंगे अपने घर, थोड़ा इसकी आउटिंग कराएंगे। यही रीज़न था कि ये ब्लॉग में नहीं बोल रहा था। वो एक जाने तो ऐसी ही और तो ये अंकलों की तरह घूम रहा है। बता ये अंकलों की तरह घूम रहा है। वैसे ही घूमता रहता हूँ बाहर अंदर। सो देखिए खाना हमारा लग गया है। क्या बात है बिल्कुल चांदी की थालियां निकाली गई आज ननंद के लिए। वही थालियां तो पिछली बार हम धोके नहीं गए थे। मुझे धोनी पड़ी। तो देखिए आज बने हैं राजमा चटनी सब्जी लाई सलाद रंजना पवन सुमित। कस लगना खाके देखो बता देना। मैं बताऊंगी ना राजमा आपने बनाया ना, तो ये मैं आज फर्स्ट टाइम रंजना के हाथ का खाने वाली हूँ एक्चुअली। हाँ मैंने आज तक कभी रंजना के हाथ का नहीं खाया। इनफैक्ट आज रात को सब्जी में बनाऊंगी। ठीक है तो आज तुम मेरे हाथ का खाना और मैं तुम्हारे हाथ का खाता। पवन कह रहे कम कम देना बल शाम के लिए। सही बात है घर चलाना ना पवन। अब फालतू खर्चा थोड़ी। शाम की सब्जी सुबह खाते हैं, सुबह की सब्जी शाम खाते हैं, आटा गूंथ देते हैं एक बार दो बार खाते हैं। अब तो काम कर दो रोटी कम खाना शुरू कर पतला भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम खाना शुरू करते हैं और मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। एक बार मैं खाने का रिव्यू दूंगी लेकिन। पहाड़ी पैराडाइज की स्पेशल थाली तैयार हो रही है दोस्तों। राजमा कड़ी रायता चटनी खीरा सलाद। चटनी तूने बनाई? करेले का अचार तूने बनाई है ना। फिर भी स्वाद स्वाद की बात होती है। अंटर उठा है मम्मी अच्छा बनाती है। कुछ नहीं रंजना सिंपल टमाटर मिर्ची धनिया डाल देती है। अच्छा धनिया पत्ते हरे। तो ये देखिए मेरी सुंदर सी थाली हो गई तैयार। राजमा चटनी खीरा और कड़ी और चावल। अब मैं इसको करूंगी टेस्ट। ठीक है करे फिर शुरू सुमित। करो करो करो। चलो आप लोग भी करो मैं टेस्ट करती हूँ पहले। हाँ वैसे मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ पता है मतलब। नहीं नहीं अच्छा हो रहा होगा दिखने में तो देख बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है बहुत ही बढ़िया भगवान कसम। नमक थोड़ा कम है मेरे हिसाब से लेकिन परफेक्ट है क्योंकि ज्यादा डालोगे तो और लोग नहीं खाते लेकिन बहुत अच्छा। पता है कैसा हो रहा है थोड़ा जैसे होटल ये जब हम हाईवे वगैरह में जो ढाबे होते हैं वैसा रंजना बहुत अच्छा हो रहा है। और हल्का हल्का ना उसका टेस्ट भी आ रहा है भगवान कसम। चिकन की ग्रेवी कसम से खाना खाना सुमित ये देख ये देखी बहुत अच्छा बना है ये मैम। वो जो उसका पहला तो राजमा चिकन हो चुका है ये जो मतलब इसका जो भपका आ रहा है ना भपका वाह क्या बात है माय बूटी ब्यूटीफुल वाइफ। नहीं रंजना बहुत अच्छा बना है आपको मिलते हैं 10 में से 10 नंबर। चलो थैंक यू। तो चलिए गाइस हम लोग खाते हैं खाना और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। खाने के बाद बर्तन सुमित धो रहा है। अगर तू नहीं धोता ना मुझे धोना पड़ जाता है सुमित है। हाँ अगर तुम्हें ये धोता ना भाई मुझे धोना पड़ जाता। थैंक यू सो मच। और गाइस खाना इतना ज्यादा टेस्टी बना था ना बाय गॉड। मतलब राजमा तो हो ही बहुत टेस्टी रहे थे। जैसे मैंने बताया ना चिकन वाला फ्लेवर भी आ रहा था उसमें एक टच आ रहा था। ऊपर से सुमित ने टमाटर की चटनी बनाई थी खट्टी खट्टी
वो ऐड की राजमा में, उससे और रंगत आ गई और मतलब इतना ज्यादा मतलब पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और क्योंकि मन नहीं भरा मुझे और खाने का मन था, तो मैंने उसके लिए क्या किया, अपनी बेल्ट खोली, ठीक है, मैं जीप पहन के आई थी। अब घर में तो क्या कि पैजामा पहनते हैं तो है ना, हो जाता है, तो मैंने अपनी बेल्ट खोली, थोड़ी सी और जगह बनाई पेट में और फिर मैंने और खाया, लेकिन मजा आ गया, इट वॉज डिलीशियस। सो अब खाने पीने के बाद थोड़ी देर में लेटूंगी। और गाइस ये देखिए, आज मुझे पवन पहाड़ी के बिस्तर में सोने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये बहुत पुण्य से मिलता है आप। इसके लिए आपको इस जन्म में पवन का या तो भाई या बहन बन के पैदा होना पड़ेगा या बीवी, लेकिन बीवी की उपाधि ले जा चुकी है तो आप बीवी बन के तो नहीं लेट सकते हैं, तो अब आपके पास बचता है भाई बहन। अगले जन्म में उसने बोला बीवी बन, बीवी बोला कि भाई बहन, अगले जन्म में, अगले जन्म में पवन पहाड़ी, फिर उसके बाद किसी और के साथ। तो फिर ये है, चलो अब मैं थोड़ी देर लेटती हूँ भाई, बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा खा लिया ना, मेरे को आसान आ रहा है, आसान निकले वाला। डी टाइप की है, बहुत अच्छी होती है जैकेट जो पवन दे रहा है तेरे को, इसमें हवा नहीं जाती ना पवन अंदर, ना ना हवा नहीं जाती, विंड चीटर है ना ये, माइनस फाइव है, माइनस टेन है। अच्छा पहन के देख कितना अच्छा लगेगा तेरे को कलर, पहन इसको कलर आज के बाद, ये देखो तो गाड़ी बर तैयार हो, ट्रैकर बनाता हूँ तेरे को मैं आज पूरा। अब इसको ट्रैकिंग पे भी भेज दो, जा केदारनाथ घूम के। ये गिफ्ट मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को जितने कमेंट में टॉन्ट सहने पड़ रहे हैं भाई से बर्तन धुलवा दिए उसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, सुन लो भाई, ठीक है, और कहीं ये कमेंट ना कर दे अपने पहने कपड़े दिए। तो ये तो होता ही है यार, बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई पहनते हैं, कपड़ों में क्या है यार, मतलब नए कपड़े नहीं मिल पाए। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार, वो नए हैं, वो ठीक है ना, बढ़िया आ रही है, देखो ये भी मेरे को तो ना लगना, मतलब फालतू ऐसे कपड़े में पैसे खर्च करना बहुत बुरा लगता है। सही कह रहे, सही कह रहे, मैं जब तक तुम देखा होगा मैं यूजुअली दो या तीन टी शर्ट बदलते रहता हूँ, तो शादी के बाद इसने 500 टी शर्ट ले ली मेरे, अब वो जब तक खत्म नहीं होंगी ना, मतलब जब तक रगड़ेंगी नहीं वो तब तक मैं दूसरी नहीं लूंगा। मेरा भी ऐसा, तुमने मेरे को भी देखा होगा जैसे लड़कियों के पास कंपैरेटिवली कितने कपड़े होते हैं यार, तुमने मेरे को देखा या पहले से हम अपने भाई बहनों के कपड़े तो पहनते थे, हमारे पापा लोग ऐसे तो करते थे, बड़े भाई के तो यही तो होता है, बड़े भाई का छोटा भाई पहनता है, और सही हो रहा है, ठीक हो रहा है, अब इसके साथ सही था। हाँ ये ठीक है, कॉफी में इसीलिए नहीं निकला है समूह को। ऐसे कांड करते रहते थे, अरे बहुत अच्छा गेम है। हाँ सो दोस्तों, अभी रंजना और पवन हमें ऊनो खेलना सिखा रहे हैं, मेरे लिए तो ये, मेरे और सुमित के लिए तो ये मतलब पता नहीं क्या क्या है, मतलब क्या क्या भय हमारे लिए जी, तो हाँ कहीं से बाट, मेरे को तो लिटरली इसकी ABCD भी नहीं आती, आठ अभी रंजना ने मेरे को और सुमित को पूरा सिखा दिया है इसको कैसे खेलते हैं करके, थोड़ा बहुत दिमाग में आया है बट आई हैव नो आइडिया। ओ नाइस, देखो इसका कुछ तो है, दिखाने नहीं है गाड़ी से, हाँ ठीक है ठीक है, सो चलिए लेट्स प्ले, बट दे आर सेइंग कि बहुत एडिक्टिव होता है गेम, दिखा जा रहा है वो तो जीत जाएगा, हार हार जाएगा, कौन सा करूं समझ नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ, पाप चल रहा है दोस्तों यार, भाई को हराने की साजिश हो रही है, ये जीतते जीतते छोड़ दिया, ला 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 ला। अभी फिलहाल हमने सुमित की जीत टाल दी है दोस्तों, टाली किसने, मैंने, से थैंक यू, टाली है रंजना जीतते जीतते हार गया, पवन ने प्लस प्लस उठा, मेरी खेल रही यार, दो फाइनली दोस्तों यार दो कंडीशन हो चुकी है, और इस बार भाई भाई में युद्ध होगा, सुमित भी ऊनो वाली कंडीशन में है और मैं भी ऊनो वाली कंडीशन में हूँ, अब देखते हैं कौन मेरे पास तीन पत्ते हैं, मैं भी गाइस ऊनो से एक में रहती हूँ, बस भाई बहुत टेंशन वाला मैच हो गया, ओ तो दोस्तों तीन कंडीशन बन गए हैं, भाभी देवर और बैग, तीन के तीन पाठक परिवार के तीनों सदस्य युद्ध के, और ये पाठक परिवार पहुंच चुके हैं, पाठक परिवार लोहमी को चीटिंग से हरा रहा है, इनकी कुछ तो स्ट्रैटेजी है, तीनों कंडीशन इनकी कुछ तो स्ट्रैटेजी, नो नो पी ले, पूरा नहीं बोला, ओ ए रचना गिव मी फाइव, ये तो बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा था, मैं तो गेम से बाहर हो गया दोस्तों, चलो और इसने क्योंकि उन्होंने बोला था रंजना ने पकड़ा, तो उसको चार उठाने पड़े, ओ
जीत गया भाई। जीत गया यार, चल कोई बात नहीं, लेट्स सी। उनो मैंने बोल दिया डायलॉग। अगर मैंने उन्होंने बोला था चार पत्ते डाले गाइस जरूरी नहीं है, तू जीतेगी। जीत गई भाई, ग्रीन कलर है ये कौन सा? स्किप वाला ग्रीन, वो ग्रीन कलर का नहीं होगा। ये क्या बात है, वही मैं वही बोलने वाली थी। आज हम दोनों नए खेलने वाले थे, दूसरे राउंड पे चलना जीती। अब होगा पति और पत्नी के बीच में घमासान। वैसे तो जीत नहीं पाता हूँ, क्या जुए में जीत पाऊंगा? ये तो आने वाला वक्त लो, चुल्लू पर पानी में डुबो दोनों, नाक डालो। हम ना जो इनको नए आते हैं, हमें जिताया गया है। चल फिर, रंजना का ऑफिस भी चल रहा है साथ। कलर चेंजेस टू रेड। क्या बात है मतलब पवन, तूने बिल्कुल दिमाग लगा के खेला है। बदला दिमाग लगता है, तो जान गए ना। तुझे शायद रंजना के किसान। रंजना तुम माहिर थी इस गेम की, तुमने सबको सिखाया। पवन को तुमने सिखाया, हमें तुमने सिखाया। मैं बता रहा हूँ, रंजना ने मेरे को उनो सिखाया। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो उसमें भी मैंने इसको हरा दिया, ठीक है। मतलब इससे अच्छा बन गया मैं खेलने में। इसने मेरे को स्टॉक मार्केट भी सिखाया। मेरा डीमैट अकाउंट इसने खुलवाया ना, तो लेकिन आज मेरा इससे ज्यादा प्रॉफिट है, इससे ज्यादा पोर्टफोलियो है। कुछ नहीं है, भाभी ने हम दोनों को सिखाया, देवर भी जीत गया, ननन दूसरी आ गई, भाभी लास्ट आई। तुम बटन दो, इससे पता चलता है मैं कितना अच्छा सिखाती हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गुड वन। ये बहुत अच्छी मेंटोर है, इससे पता लगता है कितनी अच्छी शिक्षिका है ये, तभी इनके सारे शिष्य जीते हैं। ठीक है जी, कैसा लगा गेम? बहुत बढ़िया। सो फाइनली गेम हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट सुमित आया, सेकंड में आई, थर्ड पवन आया, फोर्थ रंजन आई, ठीक है। तो अब जा रहे हैं हम लोग थोड़ा मार्केट, ठीक है। कपड़ों का तो सुमित का हो गया था, आपने देख ही लिया, पवन ने मस्त अपने नए नए कपड़े उसको दे दिए हैं, तो कपड़े लेने नहीं। लेकिन अभी हमें ढोलक का काम करना है जो मम्मी ने दिया था, तो मैं और सुमित जाते हैं और ढोलक बनवा के आते हैं। फिर आज रात का खाना बनाऊंगी मैं। क्या करना है?